हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर रोज की तरह मैं आज भी नो कांटा का रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगा आप देख सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकते हैं। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, विडो सबके लिए रीडिंग ओपन है। और कलेक्टिव जनरल रीडिंग है तो हर कोई देख सकता है, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल रीडिंग का नंबर है, जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। 303 में आपको 2 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, अदरवाइज 333 में आपको करंट फीलिंग्स के साथ एंजल गाइडेंस भी मिलेंगे। तो जिनको भी ये ऑफर एक्साइटिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, जल्दी से जल्दी मुझे व्हाट्सएप पर पिंग करें, ठीक है। और अदर डिटेल्स के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर पिंग कर सकते हो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में ओवरऑल क्या चल रहा है, कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे आपके पर्सन। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में उनका क्या थिंकिंग है। प्लीज एंजल गाइड करें। जो लोग भी नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्लॉक सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन में है, उनके पर्सन के करंट सिचुएशन क्या है, करेंटली कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन क्या चल रहा है। अभी शिवा कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो फिलहाल आपके पर्सन खुद को कैद महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कुछ सिचुएशन में वो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप्ड हो चुके हैं, वो बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये सारे बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे एक्शन में ले ही लूंगी। तो आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा कैद महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि वहाँ से वो बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं है, अगर आपके पर्सन चाहेंगे तो वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन वो खुद के अंदर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा गुम है कि उनको लग रहा है कि वो बाहर नहीं आ सकते हैं और खुद के काम में फोकस कर रहे हैं। ओके, कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या फिर नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, डिवाइन की जो है ब्लेसिंग्स उनके ऊपर है, उनको कोई ना कोई उनके आसपास है जो उनको गाइड कर रहे हैं। ओके, और उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बहुत दिनों से आपके पर्सन कुछ काम करने वाले थे और नहीं हो रहा था तो वहाँ पर उनको सपोर्ट किया जाएगा, डिवाइन के सपोर्ट उनको मिलेंगे, ठीक है। बॉटम द डेक है विल, विजडम एंड माइंड। तो आपके पर्सन की विल पावर गेन हो रहा है, नॉलेज गेन हो रही है उनको, और उनके माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ रहा है। तो धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं और उनका जो विल पावर है वो बढ़ रहा है, ठीक है, नॉलेज बढ़ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन इगोइस्टिक हो, ठीक है, पास्ट में उन्होंने आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया ईगो की वजह से या फिर घमंड की वजह से बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर आपको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो खुद को लेके बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं, खुद का बहुत ज़्यादा ईगो है, वो खुद को आपसे बहुत बेहतर मानते हैं, या फिर उनको बहुत सारे लोग जो है भाव देते होंगे, इम्पोर्टेंस देते थे, इस तरीके का कुछ सिचुएशन है जिसके वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा घमंडी हो चुके हैं और उन्होंने पास्ट में आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। और फिलहाल जो है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है उनके लाइफ में, या फिर कोई दो सिचुएशन में वो जगल कर रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस भी यहाँ पर हो सकते हैं आपके पर्सन को। और यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, बहुत जल्दी आप लोग का रियूनियन होने वाला है, उनके हार्ट चक्र ओपन हो रहे हैं, हील हो रहे हैं धीरे धीरे। ओके, और वो आपको कमिटमेंट भी देने वाले हैं, इस रिश्ते को फ्यूचर तक लेके जाने वाले हैं, स्टेबल करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए निकल कर आए हैं
कि आपके पर्सन आपके साथ जो है मीटिंग्स चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। आपके साथ ही वो फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ ही वो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो चलिए कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी, सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी, कुछ कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। क्लैरिफाई करे कार्ड्स को, स्प्रिट को क्लैरिफाई करे फ्रॉम दिस डेक, क्लैरिफाई द कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज एंजल क्लैरिफाई करें कहाँ पर स्टक है, कॉट इन द रूइंस क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन कहाँ पर स्टक है। देखिए आपके पर्सन आपके सोच में स्टक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रियूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके साथ ही वो सेलिब्रेशन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है गाइस। तो पहला ही कार्ड जो है बहुत पॉजिटिव निकल कर आया है, मुझे लगा कि वो जो है किसी अदर सिचुएशन में स्टक है, लेकिन आज की जो एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन की माइंड में 24/7 सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, और इतना ज़्यादा आपके बारे में वो सोच रहे हैं कि ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है। आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, इमोशनल है आपकी तरफ, ठीक है। 6-6 के यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी है जो कि हारमोनियस रियूनियन को दिखाता है, फिर यहाँ से रियूनियन की एनर्जी है। हिलारियन क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें हिलारियन क्यों आया है, आज बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ रहा है, हिलारियन क्यों आ रहा है, प्लीज एंजल गाइड करें हिलारियन क्यों आया है यहाँ पर, हिलारियन क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें। लड़ियन क्यों आया है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, अगर ब्रेकअप सिचुएशन है तो आपकी तरफ जेस्चर करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, और आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ शादी चाहते हैं, अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पर यूनियन चाहते हैं आपके पर्सन, उसके लिए ही वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। अगर काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे तो काम से बाहर आके वो आपको जेस्चर करेंगे, अदरवाइज इस रिश्ते के लिए वो काम करना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं कि किस तरीके से वो इस रिश्ते में जो है सक्सेस लेके आ पाए। टू ऑफ वर्ड्स क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें टू ऑफ वर्ड्स क्यों आया है, सोच रहे बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पर फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आया था और यहाँ से भी फोर ऑफ कप्स आ गए हैं गाइस। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके वजह से आपके पर्सन आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था पास्ट में, तो फिलहाल उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, या फिर ईगो की वजह से अगर उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया था, सिचुएशन को एंड किया था, आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर उनका जो ईगो एटीट्यूड घमंड है वो एंड होगा, या फिर थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है जिसके वजह से आपके पर्सन आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे वो सिचुएशन एंड होगा, और यहाँ पर बैलेंस आएगा, दोनों ही देखिए बैलेंस के कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन रिकॉन्सिलेशन ज़रूर होगा आपके पर्सन के साथ। मीटिंग कब तक होगा, कब तक मीटिंग्स होगा, कब तक मीटिंग होगा मेरे व्यूअर्स के साथ, मीटिंग कब तक होगा, फिर चंद्र गाइड करें। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अगर मूव ऑन कर चुके थे तो वापस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है आपके बिना, ठीक है। न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, यस। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी है, हार्ट टेकन लॉस है, ठीक है। थर्ड पार्टी उनको टिगर दे रहे हैं जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करके आपके तरफ आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 3 hours 3 days के अंदर बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो सकता है, बातचीत हो सकता है,
आर्कएंजल राफेल क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें। आर्कएंजल राफेल उनको स्ट्रेंथ दे रहा है ताकि वो दो सिचुएशन से बाहर आए और आपके साथ न्यू बिगनिंग करे। वो जितना अपसेट है उस अपसेटनेस से बाहर आए और आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करे। उनका इमोशनल ओवरफ्लो हो रहा है इमोशनली, वो उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है इसीलिए उनका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है। कमिटमेंट कब तक मिलेंगे मेरे व्यूअर्स को, कब तक कमिटमेंट मिलेंगे? फिलहाल वेटिंग सिचुएशन से, लॉन्ग डिस्टेंस से, थर्ड पार्टी से वो बाहर आना चाह रहे हैं। बाहर आके आपको कोई जेस्चर करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस था, वेटिंग था, कोई अदर सिचुएशन था, पेंटिकल को लेके जगलिंग था, तो उन सारी सिचुएशन से बाहर आके ओके आपको जेस्चर करना चाहते हैं और विक्ट्री सक्सेस आपके साथ चाहते हैं। 5-5 की एनर्जी है, जो भी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, जो भी अदर सिचुएशन है, जो भी कंट्रोल कर रहे थे आपके पर्सन को, उन सारे सिचुएशन का एंड करना चाहते हैं आपके पर्सन। और वो सिचुएशन एंड होगा तब जाके आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे और इस रिश्ते में आपको विक्ट्री मिलेगा। ठीक है, तो आज के जो रीडिंग है बहुत ही पॉजिटिव है गाइस। और यहाँ पर 1-1 की भी सिंक्रोनिसिटी है, 6-6 की भी सिंक्रोनिसिटी है। और आपके पर्सन जो है 6 आवर्स 6 डेज के अंदर आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं या फिर 1 वीक के अंदर वापस आ सकते हैं, ऐसी वाइब्रेशन मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस डेक से हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेके उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है अभी इसी वक्त, जब भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। जो भी चॉइसेस है, कंफ्यूजन है, वहां से बाहर आना चाह रहे हैं। और स्ट्रेंथ का कार्ड, तो वो खुद को कारेज दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं ताकि वो कोई पावरफुल एक्शन ले पाए आपके तरफ। ठीक है, जो भी चॉइसेस है वहाँ से बाहर आ पाए, जो भी कंफ्यूजन है वहाँ से बाहर आ पाए और आपको लेके पैशनेट है, डे ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेके, प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स को लेके और क्या सोच रहे हैं। जो भी बुरे वक्त चल रहा है आप दोनों के बीच, जो भी बुरा सिचुएशन चल रहा है वहाँ से बाहर आना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं और न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर उस डेक से आया था ये सब पेंटिकल एंड ये सब कप्स एक साथ, और यहाँ पर ये सब सोर्स एंड ये सब वेंस, तो न्यू बिगिनिंग की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेके, 2 मोर कार्ड्स एंजल, और क्या फील कर रहे हैं। शादी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और कोई ना कोई टावर मोमेंट आया है उनके जिंदगी में, टावर मोमेंट से गुजर रहे आपके पर्सन, जहाँ पर स्टक है वहाँ पर टावर आया है, ऐसी मुझे दिख रही है यहाँ पर। ओके, तो चलिए कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी, सारे कार्ड्स को नहीं करूँगी। फोर ऑफ वैंड्स क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें। फोर ऑफ वैंड्स क्यों आया है यहाँ पर, शादी की वजह से स्लीवलेस नाइट है उनका, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर मैरिड है एक दूसरे से आप दोनों, तो यहाँ पर आपके पर्सन एक साथ नहीं हो पा रहा है आपके साथ, मैरिड लाइफ में वापस नहीं आ पा रहे, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान है, काम में खुद को बिजी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर पैसों का दिक्कत हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके तरफ जो है स्टेबिलिटी लेके नहीं आ पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म जो रिश्ता है उसको लेके नहीं आ पा रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, इमोशनल भी हैं,
कोई दो सिचुएशन हो सकते हैं उनके लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, वहाँ पर फाइट हो रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन की स्लीपलेस नाइट है, उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, लेकिन पैसों की वजह से, काम की वजह से, या फिर कोई तो सिचुएशन है जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा है। टावर क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें, टावर क्यों आया है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में टावर मोमेंट आया है, और आपके पर्सन आपके तरफ जजमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ टेन ऑफ पेंटिकल देखते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पर टावर मोमेंट आए हैं, पेंटिकल में टावर मोमेंट आया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन। एट ऑफ सोर्स क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें, एट ऑफ सोर्स क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें। शादी, टू ऑफ पेंटिकल, फिर से शादी की एनर्जी आ गई यहाँ पर विद द टू ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के पर्सन शादी को लेके मेंटली स्टक है, शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हेरोफेंट क्यों आया है, शादी को लेके क्यों स्टक है, हेरोफेंट क्यों आया है, द फूल, आपके साथ शादी चाहते हैं, सिक्स ऑफ सोर्स विद टू ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी विद द हेरोफेंट, तो आपको ही वो स्पिरिचुअल पार्टनर मानते हैं, डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं, आपके साथ शादी चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, और आपको लेके कहीं दूर मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। अगर बहुत सारे लोग आप दोनों के बीच में आ रहा है, इस रिश्ते के बीच में आ रहा है, तो आपको लेके कहीं दूर चला जाना चाहते हैं, दी फूल के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, विक्ट्री पाना चाहते हैं इस रिश्ते में। क्वीन ऑफ वैंड्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड अपनी पोजिशन पर देख रहे हैं, तो जो भी जगलिंग सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पर आपके पर्सन ट्रैप्ड है, वो हो सकता है कि उनके मैरिड भी हो सकते हैं आपके पर्सन, तो वहाँ पर ट्रैप्ड है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, फैमिली हो सकता है, तो जो भी हो आपके पर्सन फाइनली वो आपके साथ ही मूव ऑन करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी वो आपके साथ ही देख रहे हैं, उनका कारण सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन ये भी हो सकता है कि शादी में स्टक है, क्योंकि शादी को मतलब एट ऑफ सोर्स को शादी ने क्लैरिफाई किया था, ठीक है, तो जिन लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो उनके पर्सन शादी में स्टक है, कार्मिक शादी में स्टक है, जिस शादी में वो रहना नहीं चाहते हैं, खुश नहीं है, वहाँ पर स्टक है, ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर कार्ड्स जो है दे रही है। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आज के दिन में आप लोग के लिए, ये कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर, आज के दिन में क्या गाइडेंस है आप लोग के लिए, प्रिसेंशियल गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को कारण सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को कारण सिचुएशन में क्या करना चाहिए, प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को कारण सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को कारण सिचुएशन में क्या करना चाहिए, प्लीज एंजल गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को कारण सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं डिवाइन पे, एंजल पे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं ही है। एंजल बोल रहे, अगर आप मुझसे बिलीव करते हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप किसी और से मांग सकते हैं। लेट गो करें नेगेटिविटी को, और दे आर समथिंग बेटर, कुछ बेटर आपके लिए वेट कर रहा है गाइस। अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो इसीलिए एंजल बोल रहे हैं टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ लोग के लिए नेक्स्ट फ्यू वीक्स में पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, कुछ लोग को खुद की डायरेक्शन को चेंज करना होगा, न्यू डायरेक्शन चूज करना होगा। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आपके पर्सन के साथ आपका बातचीत होता है तो क्लियरली बातचीत किया करे, शॉर्ट आउट किया करे, और फाइट वगैरह झमेला मत किया करे, ओके। तो गाइस ये था गाइडेंस आपके लिए रीडिंग, अगर अच्छा लगा है ज़रूर से लाइक करें, कितना रेजोनेट हुआ है मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, और रियूनियन जिनका हो जाता है ज़रूर 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 कमेंट में आके कमेंट करें, ओके। और जो लोग चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करें, इस चैनल का हिस्सा बने। फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स, जितना हो सके दूसरों का हेल्प किया करें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।